एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले ने ईश्वर से कहा, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे। मैंने तेरे असंख्य मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित की, पर है ईश्वर उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए पुतले के आगे शीश झुकाते हैं। मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना। हूँ वह जो कोई गलती न करे वो फरिश्ता होगा। ये दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सड़क कितनी भी साफ हो भूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो कभी ना कभी उससे भूल हो ही जाती। दोस्तों बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस लहजे में बात करते हैं उसी लहजे में सुनने की हिम्मत रखो। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सुनना जरूर पड़ेगा। यदि आप कुछ लिखना चाहते हो तो उससे पहले आपको समझना सीखना होगा। यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हो तो उसके पहले आपको कमाना सीखना होगा। हार मानने से पहले आपको कोशिश करना सीखना होगा। रिश्ते बनाने से पहले आपको रिश्ते निभाना सीखना होगा। रोने से पहले याद रखिएगा, आपको हंसना सीखना होगा, और मरने से पहले आपको खुलकर जीना सीखना होगा। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती है। लहजे कब तक मीठे रखने हैं आजकल यह जरूरत पर निर्भर करता है। जब मिलो किसी से तो जरा दूर का रिश्ता रखना। बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले, अपने ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने नीचे वालों को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। हमारी जिंदगी में जो मिला है उससे तुम कभी निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो हमारे लिए खास है। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तू कितना खुशनसीब है, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता हूँ। मैं इतना बदनसीब कि हर कोई मुझसे दूर जाना चाहता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। यह दुनिया का नियम है, यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, और आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। इस दुनिया में हर समस्या के तीन समाधान है, स्वीकार करें, बदल दे या छोड़ दे। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देखे, अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर उसे ईश्वर पर छोड़ दें। एक बात हमेशा याद रखना, अपने संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी अकेला नहीं होता। यह वह समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखना और यह याद रखना कि आपने सही फैसला लिया तो आपको अकेलापन महसूस करना नहीं पड़ेगा। वह कहते हैं कि भीड़ के साथ चलने पर आपको साथ तो मिल सकता है, लेकिन पहचान कभी नहीं मिल सकती। अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हो तो आपको भीड़ से अलग होकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपकी उस पहचान को कायम कर सके। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी भी मीठी हो जाती है, ना दोस्ती मिली ना प्यार मिला, हर मोड़ पर एक मतलबी यार मिलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपको स्पष्टीकरण सिर्फ वहाँ पर देना पड़ता है जहाँ पर आपको सुनने वाला और समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। अगर आपको यह बात समझ में आ गई, क्या आपको किसी ने गलत मान ही लिया है, तो आपको उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नजरों में गिर जाना, क्योंकि यह बात आपको पहले से पता होगी कि वह व्यक्ति आपकी बातों को कभी भी मानने वाला नहीं। ये उदाहरण सुने, जब तक आपके पास पैसा है तब तक लोग पूछते हैं हाल कैसा है। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं।
कामयाबी इरादे बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें तो यह विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने से फायदा होगा। सफलता पाने में अनुभव का बड़ा हिस्सा है। जब तक आप किसी चीज का अनुभव खुद नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी मनचाही सफलता नहीं मिल सकती। किसी दूसरे के आगे बढ़ने से या किसी दूसरे के पीछे चलने से आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई इस पर विचार करें और आगे बढ़े। आपका सफलता पे एकमात्र विश्वास है तो असफलता का डर आपको कभी भी हरा नहीं सकता। खुद पर भरोसा करना सीखो, ये आपकी ताकत बन जाएगा। और वही अगर दूसरों पर भरोसा करो तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जितना मीठा बोलेंगे उतना ही आपके दोस्त बनेंगे, इतना कड़वा बोलेंगे उतना ही आपको छोड़ने के लिए आपके दुश्मनों पैदा होंगे। शायद इसलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा बोलना होना भी खराब है। मौसम और लोग सबकी एक फितरत, कौन कब कहां बदल जाए पता नहीं चलता। कुछ मतलबी लोग रिश्ते नातों को बर्बाद कर देते हैं बस अपने एक छोटे से मतलब के लिए। अगर गलत शख्स जिंदगी में नहीं होता तो मेरी जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं होती। ये याद रखिए, जिंदगी में बुरा कुछ नहीं होता, होता है तो बस अनुभव होता है। इसको इससे लीजिए, जैसे कार सीखने से पहले क्या आप कार को भगा सकते थे, नहीं। पर एक गलत शख्स ने आपको रिश्तों को चलाना सिखा दिया। एक बात कहूं, तन्हाई 100 गुना बेहतर है। मतलबी लोगों से इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उससे से प्रीत है। आगे रखना कदम तो आगे पीछे खींचने के लिए लोग बहुत है, अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करता। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो साथ देने की बात तो करते थे पर वक्त आने पर रंग बदल लेते हैं। उस इंसान को यही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए उसे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की वह कभी किसी का नहीं हो सकता। चाहे वह समय हो या इंसान, अपनापन तो हर कोई दिखाता है पर असल में कौन अपना है ये वक्त बताता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। जब तक तुम्हारे पास पैसा है दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। किसी जमाने में दूसरों के पैर से कांटा निकालते थे, लोग अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है, यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। वो पहचानना बंद कर दें, इससे पहले अपनी पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों को एक ऐसा बनाते हैं कि वो अपनों को अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखें, क्योंकि दूसरों से उम्मीद है बहुत दुख देती है, स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है, वे इसी की जिंदगी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं।
रिश्ते को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके दुख को बढ़ा भी सकते हैं। मेरा यह मानना है कि मुश्किल में तकलीफ में इंसान को सही शब्द सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी से लड़कर इंसान भी आगे निकल जाता है। एक बात समझ लीजिए, हर खुशी को हर बड़े दुख को आपका मन अनुभव करता है। जिंदगी के सुख दुख पहाड़ नहीं होते, वो आपके मैं के अंदर होते हैं। कहते हैं जिंदगी में कभी कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक ना किया जाए, कभी कुछ इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस जरूरत है हमें सही रास्ते पर चलने की। एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क पर रखवा कर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर नजर रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। तो लोग उस जगह पर आते हैं जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को उस रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों की गुजरने वालों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे। उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते कि क्या राजा इस चट्टान को रास्ते से हटवा नहीं सकते, लेकिन किसी ने भी उसको रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा इस सब को इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से चट्टान को एक तरफ धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफी कोशिश के बाद उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक पोटली पर गिरी जो ठीक उसी जगह पर पड़ी थी जहां से उसने चट्टानों हटाई थी। जब उसने पोटली को खोल कर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे। उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सबके जीवन में कई परेशानियां आती हैं। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ रास्ता बदल लेते हैं। कुछ लोग ठान लेते हैं कि उन परेशानियों का हल निकालने की, और ऐसे लोग मुश्किलों में संभावना देखते हैं और संभावनाओं में छिपे अवसर अक्सर खोज लेते हैं। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ की गई कोशिशों के साथ परिणाम हमेशा ही अच्छे आते हैं। इसलिए जीवन की परेशानियों से घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों को हल करने का प्रयास करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।